नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग इज बेसिकली रिक्वायर्ड अगर आपको यूट्यूब पे लाइव करना है या फिर आपको थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना है। तो थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करने के लिए आपको लाइव स्ट्रीमिंग की जरूरत होती है, तो उसको कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्विजन का हमने यहाँ पर कैमरा कनेक्ट किया हुआ है, आईपी कैमरा एसएडीपी टूल ओपन करते हैं जहां से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है। तो देखिए, जैसे जो भी आपको जिस कैमरे को भी लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप उसका आईपी एड्रेस को यहाँ से नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आप जो है सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, मीन्स जिसमें जैसे कि आप कैमरे को ओपन करके वहां से कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमें चेक करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम आईपी एड्रेस डालेंगे, ये हमारे कैमरे का 64 इज द आईपी एड्रेस, 192.168.29.64 इज द आईपी एड्रेस। उसको हम लॉगिन करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के मोड में, और यहाँ पर हम ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे जो कि कैमरा हमारा डायरेक्टली लाइव ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम ये पहले जरूर चेक करेंगे। ये हमने यहाँ पर कैमरे का पासवर्ड डाल दिया है और ये हमने कैमरे को ओपन किया। देखिए, यहाँ पर हमारा कैमरा ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको कैमरे को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे जो आरटीएसपी पैरामीटर्स हैं वो हमारे इसमें कैमरे में एक्सेसिबल हैं या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए कि मॉडल नंबर है DS-2CD-122P-I3। तो आप किसी भी कैमरे को आप इसमें कर सकते हैं, जिसमें आपका ऑडियो है तो ऑडियो के साथ भी आप कर सकते हैं और विदाउट ऑडियो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सिक्योरिटी में जाएंगे जहां पर हम चेक करेंगे कि आरटीएसपी ऑथेंटिकेशन ये बेसिक बाय डिफॉल्ट होता है और यही होना चाहिए। अदरवाइज अगर हम इसको सर्विस को बंद करना चाहें तो यहां से हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। और देन हम नेटवर्क में जाएंगे और जहां से हम चेक करेंगे कि हमारा इसका आरटीएसपी पोर्ट क्या है। तो ये आरटीएसपी पोर्ट इज, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 554 इज द आरटीएसपी पोर्ट। तो आरटीएसपी पोर्ट हमारे को पता होना चाहिए हमारे उसका क्या है, हिकविजन का, दैट इज 554 बाय डिफॉल्ट होता है। और देन हम सबसे पहले कि इसको वीएलसी मीडिया प्लेयर को ऑन करेंगे और वीएलसी मीडिया प्लेयर के थ्रू हम जो है इसको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक्सेसिबल करेंगे। और यहां पर देखिए, सबसे जो इसके लिए जो हमें एड्रेस टाइप करना है, यहां पर आप देखिए कि आपका जो एड्रेस है rtsp:\twice and then admin इज द, दिस इज द यूजर नेम एंड उसके बाद आप सेमीकॉलन देन पासवर्ड आएगा और उसके बाद जो है @ जो भी आईपी एड्रेस आएगा। तो यहाँ पर हमें डालना है, और या फिर हम किसी चैनल को अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम स्ट्रीमिंग के लिए चैनल भी पर्टिकुलरली चूज कर सकते हैं, किसी भी DVR या NVR या फिर हम किसी भी आईपी कैमरे को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, जो आपका एड्रेस है ये हमने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करने के बाद आप देखेंगे मीडिया में जाएंगे और मीडिया में ऑप्शन आता है ओपन नेटवर्क स्ट्रीमिंग, तो उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए, ये हमने पेस्ट कर दिया, देन हम यहाँ पर इसको प्ले करेंगे। कई बार यहाँ पर आपको देखिए ये ओपन हो गया है, कई बार आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो जो कि आप अपने जो भी कैमरे का यूजर नेम है और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा कैमरा जो है लाइव स्ट्रीम हो चुका है, जो कि हमारे को जो रिक्वायर्ड होता है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है या जो हमारे को थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो दैट मीन्स कि हमारा आरटीएसपी प्रोटोकॉल इज वर्किंग परफेक्टली ऑल राइट। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर किसी और टॉपिक पे आप या इसको वीडियो को कैसे आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं तो उसके बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।